हमारा आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता के नियम। इसमें पहला है एक से विभाज्यता के नियम। सभी संख्याएं एक से विभाज्य होती हैं। एग्जाम्पल, 10, 21, 42, 45, 63, 74 इत्यादि, ये सारी संख्याएं क्या होंगी? एक से विभाज्य होंगी। कोई भी संख्या हो तो क्या होगी? एक से विभाज्य होगी। ठीक, इसमें हमारा अगला रूल है दो से विभाज्यता के नियम। वह संख्याएं जिनके इकाई का अंक शून्य या सम संख्या हो तो वह दो से विभाज्य होंगी। क्या इकाई का अंक क्या हो? शून्य हो या सम संख्या। सम संख्या में कौन कौन सी? 2, 4, 6, 8। ठीक, इकाई का अंक शून्य हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो क्या होगी? वो 2 से विभाज्य होंगी। एग्जाम्पल में 26, 48, 54, 60, 162 इत्यादि। इसमें 26 में 6 क्या है? सम संख्या है। 48 में इकाई का अंक 8 क्या है? सम है। 54 में इकाई का अंक 4 सम है। 60 में इकाई का अंक शून्य है। 162 में इकाई का अंक 2 है। यानी कि या तो सम संख्या है इनमें या तो जो है शून्य है, तो इसलिए इस सारी संख्याएं क्या होंगी? 2 से विभाज्य होंगी। ठीक, इसमें हमारा अगला नियम है 3 से विभाज्यता के नियम। वह संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए 18, 39, 315, 375। तो जैसे हम 18 को चेक करते हैं तो इसके अंकों का योग करेंगे, 1 + 8 कितना आया? 9। और 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 3 आ गया। यानी कि यह पूर्णतया विभाज्य है, इसलिए 18 3 से विभाज्य होगी। वैसे 39 को चेक कर लेते हैं तो इसमें 3 + 9 की वैल्यू कितना आएगी? 12। और 12 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 1 = 3, 4 × 4 यानी कि यह पूर्णतया विभाज्य है, इसलिए 39 भी 3 से विभाज्य होगी। ऐसे सारी संख्याएं जो हैं ये सब 3 से विभाज्य हैं, क्योंकि इनके अंकों का योग 3 से विभाज्य है। ठीक, हमारा इसमें अगला नियम है 4 से विभाज्यता के नियम। वह संख्याएं जिनके अंतिम दो अंक 0, 0 हो या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल, 100, 212, 436, 804 इत्यादि। यानी कि इस 100 में अंतिम दो अंक क्या है? 0, 0 है। ठीक, इस 212 में अंतिम के दो अंक क्या है? 12 है। तो 12 जो है क्या है? यहाँ पे 4 से विभाज्य है। 4 × 1 = 4 कट जा रही, यानी कि 212 भी 4 से विभाज्य होगी। यहाँ पे 436 में 36 अंतिम दो अंक 36 है, तो यहाँ पे 36 को हम चेक करेंगे किससे? 4 से। जब 4 से कट जा रही है, 4 × 1 = 4, 9 बार में कट जा रही, यानी कि 436 भी 4 से विभाज्य होगी। 804 में अंतिम दो अंक क्या है? 4 है, तो 4 को अगर हम 4 से काटेंगे तो कट जा रहा है, 4 × 1 = 4, यानी कि ये पूरा 804 भी 4 से विभाज्य है। ठीक, हमारा इसमें अगला है 5 से विभाज्यता के नियम। वह संख्याएं जिनके इकाई का अंक शून्य हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। इकाई का अंक क्या हो? शून्य हो या 5 हो तो क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के लिए 30, 45, 110, 175। 30 में इकाई का अंक शून्य है, 45 में इकाई का अंक 5 है, 110 में इकाई का अंक शून्य है, 175 में इकाई का अंक 5 है, इसलिए ये सारी संख्याएं क्या होंगी? 5 से विभाज्य होंगी। ठीक, इसमें हमारा अगला नियम है 6 से विभाज्यता के नियम। वह संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हों तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। 2 से विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो
दो से विभाज्य हो और तीन से विभाज्य हो तो क्या होगी, छह से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल 36, 216, 648 इत्यादि। तो 36 में इकाई का क्या है, सम है, सम है, इसलिए क्या होगी, दो से विभाज्य होगी। और इसका अगर हम अंकों का योग करते हैं 3+6 यानी कि कितना है 9, 9 क्या है, तीन से डिविजिबल है, तीन से कट जाएगा यानी कि तीन से विभाज्य है, ये संख्या तीन से भी विभाज्य है, इसलिए ये पूरी संख्या क्या होगी, छह से विभाज्य होगी। ऐसे अगर हम 216 को चेक करते हैं, इकाई का अंक क्या है, सम संख्या है, तो सम है तो दो से विभाज्य होगी। और तीन से चेक कर लेते हैं 2+1+6 तो कितना आ जाएगा 9, और 9 क्या है, 3 से डिविजिबल है, इसलिए तीन से भी विभाज्य होगी 216। तो जब 216 दो और तीन दोनों से विभाज्य है इसलिए 6 से भी विभाज्य होगी। ऐसे 648 को चेक करते हैं, तो इसमें जब इकाई का अंक चेक कर रहे हैं तो क्या है, सम संख्या है, तो सम है तो दो से विभाज्य होगी। अब तीन से चेक करने के लिए जब इसके अंकों का योग करते हैं 6+4+8 तो कितना आ जाएगा 18। तो 18 क्या है, 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3 6 जा यानी कि 18 तीन से कट जा रहा है, तो यह 648 जो है क्या है, तीन से विभाज्य होगी, इसलिए ये पूरी संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक, हमारा इसमें अगला है 7 से विभाज्यता के नियम। तो 7 से जो विभाज्यता का नियम होता है इसी के तरीके से हम 7 का निकालते हैं, 13 का भी विभाज्यता का नियम निकालते हैं, 17 का निकालते हैं, 19 का निकालते हैं, और भी कुछ संख्याएं हैं जिनका एक तरीके से निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं आस्कुलेटर मेथड। इसमें एक होता है पॉजिटिव आस्कुलेटर, दूसरा होता है निगेटिव आस्कुलेटर। तो हम पहले बात करेंगे पॉजिटिव आस्कुलेटर की। ठीक, आपका पॉजिटिव आस्कुलेटर पहले निकालते हैं। तो पॉजिटिव आस्कुलेटर 7 का कैसे निकालेंगे, 7 को हम किसी ऐसे नंबर से गुणा करेंगे कि वह 10 का गुणज बन जाए जब उसमें एक और जोड़ दें। तो 7 में हम किसी ऐसे नंबर से गुणा करेंगे कि उसमें एक और जोड़ने पे क्या हो जाए, 10 का गुणज हो जाए। तो 7 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 49 आएगा। तो 49 में क्या करें, एक जोड़ दें, एक जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 50 आ गया, यानी कि यह जो 50 आया है 10 का गुणज है, क्या है, 10 × 5 आ रहा है, यानी कि यह 10 का गुणज है। तो इसमें एक क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि यह पॉजिटिव आस्कुलेटर है, तो पॉजिटिव आस्कुलेटर में हम एक जोड़ते हैं और ऐसा नंबर बनाएंगे इसको कि एक जोड़ना पड़े। पॉजिटिव आस्कुलेटर के लिए क्या करते हैं, जिसका हम आस्कुलेटर निकालते हैं उसको ऐसे नंबर से गुणा करते हैं कि उसमें एक जोड़ने से कितना हो जाए, 10 का गुणज बन जाए। ठीक, तो यहाँ पे 50 10 का चौथा गुणज है, 5वां, इसलिए जो ये 5 है 7 का क्या हो जाएगा, आस्कुलेटर, वो भी क्या, पॉजिटिव आस्कुलेटर। ठीक, ऐसे 7 का अगर हम निगेटिव आस्कुलेटर निकालते हैं, तो जब 7 का निगेटिव आस्कुलेटर निकालेंगे तो हमको क्या करना होगा, 7 में हमको किसी ऐसे नंबर से गुणा करना होगा कि जो गुणा करने पे आए उसमें से एक घटाएं, घटाएंगे क्यों, क्योंकि निगेटिव आस्कुलेटर निकाल रहे हैं, तो एक घटाएं तो कितना हो जाए, 10 का गुणज हो जाए। तो 7 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा, 21 आएगा। एक घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि निगेटिव आस्कुलेटर निकाल रहे हैं, तो एक घटाएं तो कितना आ गया, 20 आ गया। 20 क्या है, 10 का गुणज है। ठीक, 10 का जो गुणज आया है क्या है, 2 है। ठीक, और 2 क्या हो गया, हमारा निगेटिव आस्कुलेटर हो गया। ठीक, एग्जाम्पल के लिए जैसे 112 है, इसको हमको चेक करना है कि यह 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो इकाई का अंक है उसको छोड़ के ऐसे ही लिख देंगे, तो 11 को ऐसे लिख दिए, तो इसको हम पॉजिटिव आस्कुलेटर से सॉल्व करें तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, जो पॉजिटिव आस्कुलेटर हमारा आया है 7 का 5 है, इस इकाई के अंक के साथ गुणा कर देंगे। तो अब इसको हम देखेंगे कितना आएगा,
पांच दूंगा दस और दस ग्यारह इक्कीस आ गया। तो अब 21 को हम चेक कर सकते हैं सात से, तो सात से 21 कट जा रहा, इसलिए जो 112 है वह हमारा सात से क्या है, डिविजिबल है। इसको अगर हम निगेटिव आस्कुलेटर से चेक करते हैं 112 को तो क्या होगा, निगेटिव आस्कुलेटर में हम जो निकाले हैं वो आस्कुलेटर कितना आया है निगेटिव वाला हमारा सात का, दो आया है। तो हम जो इकाई का अंक है इसको छोड़ के बाकी जो अंक है उसको ऐसे ही लिख लिए, ठीक। और निगेटिव आस्कुलेटर में निकाल रहे थे इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो निगेटिव आस्कुलेटर हमारा कितना आया, दो आया है, तो दो लिख दिए। जो इकाई का अंक जो इसको छोड़े थे इस दो के साथ इसको गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 11 में से जब हम 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो 7 क्या है, 7 से डिविजिबल है, इसलिए जो 112 है वह हमारा क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा, ठीक। इसमें हम एक और एग्जांपल देखते हैं, 2961 को हमको चेक करना है कि यह 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इकाई को अंक छोड़ के जितना है उसको ऐसे लिख दिए, 296 लिख लिए। तो हम इसको पॉजिटिव आस्कुलेटर से सॉल्व करें, तो यहाँ पे साइन प्लस का लगाएंगे, और सात का पॉजिटिव आस्कुलेटर कितना आया है, पांच आया है, पांच लिखेंगे यहाँ पे। पांच में जो अंक हम छोड़ दिए हैं लास्ट वाला यूनिट डिजिट का उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पांच ही कम पांच आएगा, और 296 में अगर हम पांच जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 301। तो फिर यही प्रोसेस फिर से हम रिपीट करेंगे, तो लास्ट वाले अंक को छोड़ देंगे, यहाँ पे 30 लिख दिए, ठीक। यहाँ पे पॉजिटिव आस्कुलेटर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और पॉजिटिव आस्कुलेटर कितना है, पांच है, तो पांच यहाँ पे लिखेंगे, और लास्ट का जो डिजिट है हमारा कितना है, एक है, तो इसको एक से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 35 आ रहा है। तो 35 को हम चेक कर सकते हैं सात से काट के, तो सात से कट जा रहा है, इसलिए ये जो नंबर है हमारा क्या होगा, सात से विभाज्य होगा, ठीक। इसी प्रकार हम 2961 को चेक करेंगे निगेटिव आस्कुलेटर से, तो निगेटिव आस्कुलेटर में भी वही प्रोसेस होता है, जो इकाई का अंक है यानी यूनिट डिजिट इसको छोड़ देंगे, बाकी जो डिजिट है उनको हम लिख लेंगे, 296 है, तो निगेटिव आस्कुलेटर लगा रहे हैं तो यहाँ पे साइन क्या होगा, माइनस होगा। तो निगेटिव आस्कुलेटर हमारा कितना है इसका, सात का, दो है, तो यहाँ पे दो लिखेंगे, और दो को जो डिजिट छोड़े थे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यह आ गया 294। यही प्रोसेस फिर से हम रिपीट करेंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट को छोड़ दिए, 29 है, 29 को ऐसे ही लिख दिए, निगेटिव आस्कुलेटर यूज कर रहे हैं तो साइन क्या होगा, माइनस होगा, और हमारा निगेटिव आस्कुलेटर साथ का कितना है, दो है, तो दो लिख दिए यहाँ पे। जो यूनिट डिजिट था जिसको हम छोड़ दिए थे वो कितना है, चार है, तो उसको हम इस दो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 29 में से जब हम 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, 21। 21 क्या है, इसको हम चेक कर सकते हैं सात से कटेगा कि नहीं कटेगा, सात से कट जा रहा है, इसलिए 2961 क्या होगा, सात से पूर्णतया विभाज्य होगा, ठीक। हमारा इसमें अगला है 8 से विभाज्यता के नियम। वे संख्याएं जिनके अंतिम तीन अंक 000 हो या 8 से पूर्णतया विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल 1816, 2000, 2024 इत्यादि। तो इसमें अंतिम तीन अंक क्या है, 816। हम 816 जो है इसको चेक करेंगे कि यह 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो जब इसको हम काट रहे हैं 8 इक्कम, इसको काटेंगे 8 इक्कम और 16, 8 दुआ 16, यानी कि यह पूर्णतः कट जा रहा है, इसलिए यह पूरा नंबर क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा। इसमें क्या है, अंतिम तीन अंक क्या है, 000 है, इसलिए 2000 क्या है, 8 से विभाज्य होगा। इस 2024 में अंतिम तीन अंक क्या है, 24 है, इस 24 को हम चेक करेंगे किससे, 8 से काट के, कि यह 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 8 एकम 8 तिया, यानी कि यह
जो है अंतिम तीन अंक 8 से कट जा रहा है, इसलिए 2024 जो है यह 8 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक, इसमें हमारा अगला है 9 से विभाज्यता के नियम। वह संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। अंकों का योग क्या हो, 9 से विभाज्य होना चाहिए इसमें। तो एग्जाम्पल 27 को चेक करते हैं, तो अंकों का योग क्या हो जाएगा, 2+7 9 आया। जब 9 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो यह क्या हो रहा है, पूर्णतया कट जा रहा है एक बार में, इसलिए 27 क्या होगी, 9 से कट जाएगी। 117 को चेक करेंगे, 1+1+7 यानी कि इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 9 को हम अगर 9 से काटेंगे तो क्या हो रहा है, कट जा रही है एक बार में, 9 एकम एक बार में कट जा रही, यानी कि 117 क्या होगी, 9 से पूर्णतया विभाज्य होगी। 1071 को चेक कर लेते हैं, 1+0+7+1 जब इसको हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आएगा, 9 आ रहा है। तो 9 को अगर हम 9 से काट दे रहे हैं तो यह भी एक बार में कट जा रहा है, इसलिए क्या होगी, 1071 भी 9 से विभाज्य होगी। ठीक, हमारा इसमें अगला है 10 से विभाज्यता के नियम। वह संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल 20, 4100, 540, 6120 तो 20 में इकाई का अंक 0 है, 4100 में इकाई का अंक 0 है, 540 में इकाई का अंक 0 है, 6120 में इकाई का अंक 0 है, इसलिए ये सारी संख्याएं क्या होंगी, 10 से विभाज्य होंगी। ठीक, हमारा इसमें अगला है 11 से विभाज्यता के नियम। वह संख्याएं जिनके विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। यानी कि जो विषम स्थान पे अंक हैं उनको हम जोड़ेंगे, जो सम स्थान पे अंक हैं उनको जोड़ेंगे और उनका अंतर निकालेंगे। अगर वह 0 आ रहा हो या 11 से कटने वाली कोई संख्या आ रही तो वह क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल 21879 है, तो इसको चेक करना है। इसमें क्या है, जो विषम स्थान पे क्या है, 9 है, 8 है, 2 है, इसको जोड़ेंगे, ये विषम वाला हो गया। किसका, विषम स्थान वाले, इनका जोड़ करते हैं। विषम पे क्या है, 2 है, 8 है और 9 है, जब इसको जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 9, 8, 17 और 17, 2, 19। सम वाला जो बचा है, 7 और 1 है, तो सम वाले को जोड़ लेते हैं, 1+7 यानी कि कितना हो गया है, 8 आ गया। अब दोनों का अंतर निकालेंगे तो अंतर क्या होगा, 19-8 तो कितना आएगा, यह 11 आ रहा है। तो 19-8 कर रहे हैं, 11 आ रहा है, यानी कि 11 जो है 11 से क्या हो, कट जा रही, इसलिए 21879 क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। ठीक, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 1331। अब इसको चेक करते हैं, तो ये जो विषम स्थान पे है, 1 है और 3 है, इसको जोड़ते हैं तो 3+1 तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और सम स्थान पे 3 और 1 है, इसको भी 1+3 जब जोड़ते हैं तो यह भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब दोनों का अंतर निकालते हैं तो जब 4 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि हमने क्या पढ़ा है कि या तो 0 आए या 11 से विभाज्य आए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा, इसलिए यह संख्या 1331 क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। ठीक, 11 से विभाज्यता का एक दूसरा नियम है, बहुत ही आसान है। इसमें हम क्या करते हैं, इकाई की तरफ से 2-2 अंक का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ पे 31 का एक जोड़ा बन गया और दूसरा 13 का, इसमें हम क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे। हम बाई तरफ से शुरू करते हैं, जब हम 13 में 11 से भाग देंगे तो यहाँ पे शेष कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। उसके बाद जब दूसरे वाले में भाग देंगे तो इसी में
ऐसे जोड़ते जाएंगे, तो 31 में जब भाग देंगे तो कितना शेष बच रहा है, यहाँ पे 9 बच रहा है। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। अगर यहाँ पे या तो 0 आए जोड़ने पर शेषफल को, या तो ऐसी संख्या आए कि वह 11 से कट जाए, तो क्या होगी, जो संख्या होगी वह 11 से विभाज्य होगी। यहाँ पे क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, यानी कि यह 11 से कट जा रहा है, इसलिए जो 1331 है वह 11 से विभाज्य होगी। ऐसे इसमें जब हम इधर से जोड़ा बनाए दो दो का, तो ए हो गया जो एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा ए हो गया, दो अकेले है तो इसको अकेले का जोड़ा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बाई तरफ से भाग देंगे 11 से, तो इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, शेषफल 2 आएगा। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, जब दूसरे वाले में भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 7 बच रहा है शेष, तो इसको जोड़ेंगे। अब तीसरे वाले में जब भाग देंगे तो जो शेष आएगा इसमें जोड़ेंगे, तो जब तीसरे वाले में भाग देंगे 79 है, तो इसमें कितना शेष आएगा, 2 आएगा। तो इन सबको हम जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 11 आ जा रहा है, यानी कि यह 11 जो शेषफल आया है यह 11 से कट जा रहा है, इसलिए यह संख्या जो होगी क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। अगर यहाँ पे 0 आता तब भी यह 11 से विभाज्य होती, यानी कि अगर 0 आ रहा हो या 11 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या आ रही है, तो पूरा जो नंबर है वह 11 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक, इसमें अगला क्या है, 12 से विभाज्यता के नियम। वे संख्याएं जो 3 और 4 दोनों से पूर्णतया विभाज्य हो तो वह संख्या 12 से भी विभाज्य होगी। एग्जाम्पल 144, 516, 648। तो हम 144 को सबसे पहले चेक करते हैं, 3 से विभाज्यता चेक करने के, जब इसके अंकों को जोड़ेंगे, अगर 3 से कट जा रहा है तो 3 से विभाज्य होगी। अंकों जोड़ते हैं, 1 प्लस 4 प्लस 4 यानी कि कितना आ गया, 9 जब 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 से विभाज्य होगी, 3 1 जा 3 3 जा, यानी कि 9 जो है 3 से कट जा रही, इसलिए 144 क्या होगी, 3 से कटेगी। अब 4 से क्या नियम होता है, जो अंतिम दो अंक है, अंतिम दो अंक क्या है, 44 है, इसको अगर हम 4 से काटने पे कट जा रही है, इसको हम 4 से काट रहे हैं, अगर कट जाएगी तो क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। तो 4 एकम 4 यानी कि कट जा रही है, यानी कि 144 जो है 4 से भी विभाज्य है, इसलिए यह 144 क्या होगी, 12 से विभाज्य होगी। ठीक है, ऐसे ही 516 को चेक करते हैं, जब हम इसको 3 से चेक करेंगे तो क्या आएगा, 5 प्लस 1 प्लस 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 7 और 7 5 12। 12 को 3 से जब भाग देंगे तो यानी कि यह क्या है, कट जा रही है, कितनी बार में, 4 बार में। 516 क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। और जब 4 से चेक करने के क्या होता है कि अंतिम दो अंक को 4 से भाग देते हैं, तो अंतिम दो अंक कितना है, 16 है, इसको जब हम 4 से भाग देंगे तो क्या है, 4 एकम 4 चौक 4 बार में कट जा रही, यानी कि यह 516 4 से भी विभाज्य है, इसलिए क्या होगी, यह 12 से विभाज्य होगी। ऐसे हम इसको भी चेक कर लेंगे। ठीक, हमारा इसमें अगला है 13 से विभाज्यता के नियम। 13 का विभाज्यता का नियम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऑस्कुलेटर मेथड यूज करते हैं। तो 13 का ऑस्कुलेटर, हमको जो पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है उसको फाइंड करने में आसानी होगी, इसलिए हम यहां पे पॉजिटिव ऑस्कुलेटर से निकालेंगे। ठीक, तेरह का पॉजिटिव ऑस्कुलेटर निकालना है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले 13 लिखेंगे और 13 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि उसमें जो संख्या आए उसमें अगर हम एक जोड़ दें, क्योंकि पॉजिटिव ऑस्कुलेटर, तो उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाए, 10 का गुणज हो जाए। तो 13 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 39 यानी कि 39 आ गया। अगर हम इसमें एक जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, यह 40 हो जाएगा, और 40 क्या है, 10 का गुणज है, कितने बार का, 4 बार का, यानी कि 13 का ऑस्कुलेटर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर 4 हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमारा पहला एग्जाम्पल है 169। इसमें हम कैसे चेक करेंगे, इकाई के अंक को छोड़ देते हैं। ठीक, इकाई को अंक को छोड़ दी,
तो 16 है तो 16 को ऐसे ही लिख लिए। पॉजिटिव ऑस्कुलेटर हम फाइंड किए हैं तो यहाँ पे साइन क्या होगा, प्लस का होगा, तो ऑस्कुलेटर हमारा कितना आया है, 4 आया है, तो ऑस्कुलेटर को लिख दिए 4। उसमें गुणा करेंगे जो अंक हम छोड़ दिए थे, क्या छोड़े हैं, 9 छोड़े हैं, इकाई का अंक 9 को गुणा करेंगे। जब इसको गुणा करने पे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16 + 9 गुणे 4, 4 9 36। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 52, यानी कि 52 आ रहा है। अब हम इसको चेक कर लेंगे, आसान है, तो 13 से हम इसको काट के चेक करेंगे, या तो 13 से कट जा रहा है, 13 × 1 = 13 × 4 कट जा रहा, यानी कि जो हमारा 169 संख्या है या क्या होगी, 13 से विभाज्य होगी। हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 247 है, इसको चेक करना है कि यह 13 से विभाज्य है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इकाई के अंक को छोड़ते हैं, बाकी जो अंक है उसको लिख लेते हैं वैसे ही, तो यहाँ पे 24 है, 24 को ऐसे ही लिख लिए। तो हम किस मेथड से फाइंड कर रहे हैं, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर से, तो यहाँ पे साइन क्या होगा, प्लस का होगा। उसके बाद हमारा 13 का पॉजिटिव ऑस्कुलेटर क्या आया है, फाइंड करने पे 4 आया है, ऑस्कुलेटर को लिख लिए। उसके बाद जिस अंक को हमने छोड़ा था वो क्या है, 7 है, तो उसको इस ऑस्कुलेटर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब हमको क्या मिल रहा है, 24 + 4 = 28, 24 और 28 मिल गया। जब हम 24 और 28 को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 8 × 4 = 12, 2 × 2 = 5, 52 आ गया। यानी कि यह 52 क्या है, 13 से डिविजिबल है, 13 से कट जा रहा है 4 में, तो इसलिए जो 247 है वह क्या होगा, 13 से विभाज्य होगा। ठीक है,